सो है पोकेवेंस, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो इंटेंस होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस पोकेगर्ल की जो जिसको सबसे ज़्यादा हाई रेटिंग मिली है, और वो है सरीना। दोस्तों, तो कार्ला सीजन के लास्ट एपिसोड में ऐसा हुआ था कि सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे, ऐश भी कांटो चला गया, और जो सरीना है वो अपने घर न जाते हुए वो फ्लाइट पकड़ के सीधा गई थी होएन में। दोस्तों, होएन में वो गई थी अपने कॉन्टेस्ट को लड़ने, जो कि वो मतलब जिसमें उसको अपना करियर बनाना था, ना कि पोकेमॉन मास्टर बनना था उसे, तो वो वहाँ चली गई थी। तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि सरीना को होएन रीजन में कौन कौन से पोकेमॉन्स पकड़ने चाहिए, या फिर कह सकते हो एक तुक्का कह सकते हो कि कौन से पांच पोकेमॉन्स उसे पकड़ने चाहिए, यानी टॉप फाइव। ओके गाइस, और दोस्तों, ये जो भी लिस्ट बनाई है मैंने, फैन मेड लिस्ट है, यानी मेरे खुद के ओपिनियंस की लिस्ट है। और दोस्तों, अगर और तुम इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, जबकि कोई पोकेमॉन और ऐड होना चाहता है जो मतलब सरीना पकड़ पाए, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, तो मैं रियली अप्रिशिएट करूँगा तुम्हें अगर तुम लोगों ने बताया तो। सो ये जो भी लिस्ट, ये जो लिस्ट मैंने बनाई है, वो मैंने कार्ला सीजन के बेसिस पर बनाई है। मतलब सरीना किस तरह के पोकेमॉन्स पकड़ी है, किस तरह से उन्हें ट्रेन किया, वैसे मैंने इस लिस्ट को तैयार किया है। सो नेवर माइंड यार, तो लेट्स गेट स्टार्ट इन द वीडियो। और दोस्तों, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, जो कि है पोकेवेक्स। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते, इंट्रो लगाते हैं, सीधे से वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर फाइव, दोस्तों नंबर फाइव की स्पॉट पे मैंने रखा है रोजेलिया को। तो दोस्तों, मुझे लगता है रोजेलिया इस स्पॉट के लिए परफेक्ट होगा, और सरीना की टीम के लिए भी परफेक्ट पोकेमॉन होगा, क्योंकि यार रोजेलिया बहुत ही दिखने में भी बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है। और दोस्तों, रोजेलिया मतलब कॉन्टेस्ट में लेंगे तो रोजेलिया बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी दे सकती है। और दोस्तों, रोजेलिया का जो इवॉल्व फॉर्म है वो है रोजा ग्रेड, वो भी बहुत अच्छा दिखता है यार लुक्स में, और उसके मूव सेट्स भी बहुत ही अच्छे, जैसे पेटल डांस, रेजर लीफ, लीफ स्टॉर्म, वाइंड वेब, और बहुत सारे मैजिकल लीव्स जैसे अटैक्स है उसके पास। और मैं क्या बोलूँ, रोजेलिया मतलब दिखने में भी अच्छा है, उसका कलर पैटर्न भी बहुत अच्छा है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी है। और आई गेस ये पोकेमॉन सूट करेगा सरीना को उसके टीम में, क्योंकि और उसके परफॉर्मेंस में भी। नंबर फोर, दोस्तों नंबर फोर पे एक नहीं बल्कि दो ऑप्शंस आते हैं सरीना के लिए, वो है प्लसन और माइनम। दोस्तों यार, ये दोनों पोकेमॉन बहुत क्यूट दिखते हैं, और इन दोनों या तो ये एक मेल फीमेल वर्जन है एक दूसरे के, एक जो है एक प्लसन है और एक माइनम है। दोस्तों दोनों ही पोकेमॉन इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स है, जी हाँ, दोनों ही इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स है, और दोनों बहुत ही क्यूट दिखते हैं। और आई गेस अगर सरीना ने इन दोनों में से किसी एक को भी या फिर इन दोनों को भी अपने टीम में रखा तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। और दोस्तों, क्योंकि ये जो पोकेमॉन्स हैं इन्हें चीयरिंग पोकेमॉन्स भी कहा जाता है, जी हाँ, इन्हें चीयरिंग पोकेमॉन्स भी कहा जाता है, तो इसी वजह से मैंने इनको नंबर फोर के स्पॉट पर रखा। एंड गाइज, क्योंकि ये चीयरिंग पोकेमॉन्स है और ये बहुत ही अच्छा चीयर कर पाएंगे उसकी पूरी टीम को, और यानी मतलब कॉन्टेस्ट होते टाइम से, नहीं जब कॉन्टेस्ट चालू होगा तब हो सकता है वो इसे बहुत सपोर्ट करे, और इससे सरीना का भी मोटिवेशन बहुत बढ़े और वो जीत भी जाए, हो सकता है। तो इसीलिए मैंने नंबर फोर्थ की स्पॉट पर प्लसन और माइनन को रखा है। नंबर थ्री, दोस्तों नंबर थर्ड के स्पॉट पे मैंने रखा है नॉर्मल टाइप स्किटी को। दोस्तों यार, अब तुम लोग सोचोगे स्किटी को क्यों रखा यार, तो फिर मैंने सोचा यार स्किटी भी बहुत क्यूट पोकेमॉन दिखती है, और दोस्तों सरीना को मोस्ट ऑफ पिंक कलर ज़्यादा पसंद आता है, अगर मुझे नहीं पता, मैं बस एनिमे के हिसाब से बता रहा हूँ, हाँ, तो स्किटी भी पिंक कलर की है, और दोस्तों स्किटी के पास भी बहुत ही अच्छे अच्छे अटैक्स है। तो दोस्तों, तुम लोग ने होएन रीजन मेन को तो देखा ही होगा यार, उसके पास भी स्किटी थी, तो उसकी स्किटी भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती थी, तो आई गेस सरीना, ओह गॉश, तो
आई गेस सरीना थोड़ा बहुत में से बहुत मतलब अच्छे लेवल पे कॉन्टेस्ट करती है, या मतलब जीत भी जाती है कॉन्टेस्ट, कभी कभार बैटल्स जीत जाती है कॉन्टेस्ट बैटल्स। तो स्किटी मतलब एक अच्छा ओपिनियन होगा सरीना के लिए। और दोस्तों स्किटी का विकसित रूप भी है जो कि है डेल कैटी, तो वो भी मतलब अच्छे दिखते हैं। और जो स्किटी है उसके मूवसेट्स भी बहुत ही अच्छे, जैसे टैकल और फिर कॉपी कैट। और जो सबसे इंटरेस्टिंग मूव जो मैंने होएन के एपिसोड्स में देखा था वो था असिस्ट। दोस्तों असिस्ट हमला एक ऐसा हमला है जो कि जितने भी हमले स्किटी को आते हैं या फिर जितने भी हमले स्किटी ने देखे हुए हैं वो स्किटी कर सकती है असिस्ट के इस्तेमाल से। तो ये उसकी खूबी है। और ये स्किटी जो स्पीशीज से आती है वो है किटन पोकेमोन के स्पीशीज से वो बिलोंग करती है। नंबर टू पे गाइज मैंने रखा है ब्यूटीफ्लाई को। दोस्तों आप सोचोगे तुम लोग कि मैंने पहले स्किटी को रखा फिर अब ब्यूटीफ्लाई की मैं मे की टीम नहीं बना रहा हूँ ना, तो नहीं यार गाइज मैं मे की टीम नहीं बना रहा हूँ सरीना के लिए। तो ब्यूटीफ्लाई को इसलिए मैंने लिस्ट में रखा यार क्योंकि आई गेस इट्स समझ सकते हो यार, मतलब ब्यूटीफ्लाई भी एक डुअल टाइप पोकेमोन है जो कि बग और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है। उसके साथ मूवसेट भी बहुत अच्छे हैं जो कि सिल्वर विंड, बग बज, एयर कटर और जैसे अलग अलग अटैक्स। तो वो ये अटैक्स करके मतलब कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं। ये बग बटरफ्लाई पोकेमोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दोस्तों ब्यूटीफ्लाई एक बहुत ही अच्छी दिखने वाली पोकेमोन है और ये एक थर्ड स्टेज एवोल्यूशन पोकेमोन है जो कि होता है आई गेस वम्पल के बाद सिल्कुन, उसके बाद ब्यूटीफ्लाई। और इसका दूसरा मतलब दूसरे लाइन का इवोल्यूशन भी है जैसे वम्पल और फिर उसके बाद कैस्कून, फिर डस्टॉक्स। तो यार तो मैंने ब्यूटीफ्लाई को इसलिए लगा क्योंकि उसके लुक्स अच्छे है, उसके वो पावर डेफिनेशन में भी बहुत ही अच्छे से बैठ पाती है नंबर टू के स्पॉट पर। और सरीना आई गेस एक बग और फ्लाइंग टाइप डिजर्व करती है और वो बहुत ब्यूटीफुल भी दिखती है एज इट्स नेम ब्यूटीफ्लाई। नंबर वन, दोस्तों नंबर वन के स्पॉट पे आई गए। तो यार नंबर वन के स्पॉट पे एक स्टार्टर पोकेमोन को रखा है मैंने होएन रीजन के। तो यार तो चलो यार वीडियो को पॉज करो, 5 सेकंड देता हूँ यार, गेस करो कमेंट सेक्शन में जाके कि कौन सा स्टार्टर हो सकता है। 5 4 3 2 1 ओके। तो अगर तुम लोग ने मडकिप गेस किया तो जी हाँ तुम करेक्ट हो। तो यार मैंने मडकिप को इसलिए रखा क्योंकि यार मडकिप क्यूट दिखता है और बहुत ताकतवर भी है। और दोस्तों सरीना के अब तक के जितने भी पोकेमोन्स देखे वो भी बहुत ताकतवर पोकेमोन्स है। और दोस्तों ये भी अगर मडकिप उसमें ऐड हो जाए एक वाटर टाइप पोकेमोन तो और भी अच्छा होगा। तो मडकिप्स के मूवसेट्स भी बहुत ही बढ़िया है जैसे मड स्लैप, वर्क पुल, हाइड्रो पम्प, वाटर गन, ऐसे बहुत सारे अटैक्स। और दोस्तों मडकिप जो है एक पोकेमोन है जो स्पीशीज से आता है मडफिश पोकेमोन। तो गाइस ऐसा है तो मडकिप इवॉल्व होता है मैस्टोम में, मैस्टोम से स्वैम्पट में इवॉल्व होता है। और ये वो पोकेमोन हो सकता है जिसको सरीना आई गेस मेगा इवॉल्व कर भी सकती है आई गेस सो। तो ये मेरे थॉट्स है यार क्योंकि स्वैम्पट जो है वो मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा स्वैम्पट में। और मडकिप भी एक कूल पोकेमोन है एज यू नो, स्वैम्पट भी बहुत ही अच्छा है मास्टोम, सो इट्स वेल एंड गुड यार। तो अगर मडकिप भी हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो यार इसी वजह से मैंने मडकिप को नंबर वन की स्पॉट पे रखा है। सो गाइज पोकेवैक्स ये थी लिस्ट टॉप 5 पोकेमोन जो सरीना को पकड़ने चाहिए होएन रीजन में। तो यार अगर तुम्हें ये लिस्ट पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये सजेस्ट करना मत भूलना कि और कौन से पोकेमोन्स ऐड होने चाहिए थे सरीना के लेआउट में या फिर कह सकते हो यार बैटल फील्ड में या फिर कॉन्टेस्ट में कि कौन सा पोकेमोन बेटर होगा किसके पोजीशन में। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे रिप्लाइज के लिए रुका रहता हूँ यार। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ जल्दी जाके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को भी दबाओ ताकि मेरे रीसेंट पोस्ट नोटिफिकेशंस और वीडियो नोटिफिकेशंस तुम लोग को मिल पाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि लिस्ट कैसी लगी और ये कॉन्सेप्ट और टॉपिक भी कैसा लगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मैं अभी लेता हूँ अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, सायोनारा, पीस आउट।